पिबत पान करे मधुपोय मधुमंगलम कृषांगी और यह मधुमंगल करते हुए मधु माने शहद उसका मंगल माने आस्वादन करते हुए विराजमान हो या मधु का पान करते हुए ये भौरा विराजमान हो हे कृषांगी इसलिए अपने अंचल को से बार बार इसको दूर भगाने की जरूरत नहीं है अब जैसे मधुमंगल का नाम आया बीच में मधुमंगल बोल पड़े कि भो वैसे अस्मात् ब्राह्मणं नाम मधुपेन विपाय ऐसी बोले हे भैया मुझे ब्राह्मण को इस भौरे से कटवाएगा क्या ये भौरा मुझे काट जाएगा तो मुझे ब्राह्मण को क्यों इस मधु के द्वारा विपाय ऐसी मेरा क्यों रस चूसवाना चाहता है मेरे रस को ही चूस लेगा ऐसा कहकर के मधुमंगल दंडेन भ्रमरम ताड़े थी लठिया खड़ा करके बनेठा खड़ा करके मधुमंगल उस समय भौरे को भगाने का प्रयत्न करता है श्री राधिका उस समय मधुमंगल की बड़ाई कर रही है शाबाश शाबाश बहुत अच्छे श्लाघा करते हुए कह रही है कि आरे प्रियं करो ममासे संवृत्ता तुम मेरा प्रिय करने वाले हो गए तुमने बड़ा अच्छा किया इस भौरे को हटा दिया मधुमंगल कह रहे हैं कि कथम मधुमंगल तत्काल में तुरोहित देखो मधुमंगल तुरंत ही तुरोभूत हो गया तब कुतोपिन लक्ष्य से मधुमंगल चला गया अब मधुमंगल कहीं भी नहीं वो मधुपुर कहीं भी नहीं वो मधुसूदन कहीं भी नहीं दिख रहा है वो मधुसूदन चला गया मधुसूदन नहीं दिख रहा है और जैसे ये कहा मधुसूदन चला गया श्री किशोर जी में प्रेम वैचित्र्य दशा का उदय हुआ आया और प्रेम वैचित्र्य दशा को धारण करके श्री प्रिया उस समय व्याकुल हो गई प्यारे की गलमैया दिए हुए हैं और आश्चर्य की बात यह है कि उस मिलन में भी श्री प्रिया को विरह की अनुभूति होती है जहां प्रिय से संधिकर्ष भी प्रिय का संधिकर्ष होने पर भी प्रेम आवेश के विशेष के कारण जो विरह की आरती उत्पन्न होती है उसका नाम है प्रेम वैचित्र्य अर्थात मिलन में भी विरह की अनुभूति और श्री प्रिया एकदम व्याकुल होकर के कहने लगती है एक मिनट विरह में तुम्हें छोड़ेंगे एक मिनट बस था सा तो समझ लेने दबाव श्री प्रिया व्याकुल होकर के कहने लगती है हाय इसमें कहीं दावानल लग गई क्या समझने दबाद वित्तस्ताना के मार्ग रवो गवाम कहीं दावानल लगने से गाय व्याकुल तो नहीं हो गई इसलिए मधुसूदन चले गए प्यारे क्यों चले गए कहीं गाय दावानल में फंस गई है क्या अथवा मैं किम भवत वैगुण्यम बा जरूर मुझ में कोई कमी होगी मैं कुशीक्षितम मैंने कोई बाम्यता युक्त होकर के प्यारे की ओर कटाक्ष सहित क्रूर बनकर के देखा होगा इसलिए मेरे दोष को देख करके प्यारे ने मेरा कहीं त्याग तो नहीं कर दिया क्यों चलेगी व्यरच निवृतम किम बाहुदिम कयाचित अभीष्टया अथवा वो पद्मा चंद्रावली की सखी वो ही तो श्री श्याम सुंदर को पुकार करके भुरा करके कहीं ले तो नहीं गई तो वेराचित निवृतम एकांत में कहीं श्याम सुंदर को निवृत्त में ले तो नहीं गई कृतिम कयाचित अभीष्टया किसी ने अभीष्ट करके प्यारी को ले तो नहीं गया यदि सहसा ममात्याक्षी बने बनजे क्षण आज बनजे क्षण माने कमल के समान नेत्र वाले श्री श्याम सुंदर ने सहसा मेरा कैसे त्याग कर दिया ऐसे जब कहा श्री श्याम सुंदर संज्ञा सर्वम निवार्य स्मृत करोति संज्ञा से सबको निवारित करते हैं तो प्रिया के वचन सुने और प्रिया उस समय न जाने क्या क्या कहती जा रही है विरह में कहती जा रही है जब श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं बोल प्रिय ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है अरे मैं तो यही हूं तब श्री प्रिया जी को होश आए और श्री प्रिया लाल दोनों मिलकर के एक ऊपर के विराजमान हो बोलो लाल लाल की जय ऐसे ये जो विरह
ये प्रेम वैचित्र्य की लीला बड़ी अद्भुत। और ये प्रेम वैचित्र्य माधना के महाभाव का एक महत्वपूर्ण अनुभव यद्यपि महर्षि गण में प्राप्त होता है, परंतु माधनाच महाभाव का ब्रज में बड़ा सुंदर स्वरूप है और उस प्रेम वैचित्र्य की लीला का ये यहाँ पर गुरु पर कर रहे वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय।